नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक की सभी बड़ी खबरें बताई जाती है। अगर आप भी सभी प्रकार की खबर जानना चाहते हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास वाले घंटी के बटन को जोर दबा दे ताकि आने वाली वीडियो की आपको सबसे पहले सूचना मिल सके। आज की पहली ताजा बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश की राजनीति में, फिर आया भूचाल। गुरुग्राम के होटल में पहुंचे 8 विधायक। दरअसल कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी प्रदेश सरकार को अस्थिर करने की मंशा से कांग्रेस पार्टी के 4 और बाहर से समर्थन दे रहे निर्दलीय और सपा बसपा के विधायकों सहित 8 विधायकों को लेकर गुरुग्राम के होटल में ले गई है। इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया था कि बीजेपी राज्य सरकार को अस्थिर करने के लिए उनकी पार्टी के विधायकों को रिश्वत देने की कोशिश कर रही है। दिग्विजय सिंह ने दावा किया था कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के अन्य वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा 25 से 35 करोड़ रुपए देकर कांग्रेस के विधायकों को लुभाने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि पिछले साल जुलाई में विपक्ष के नेता गोपाल भार्गव ने राज्य विधानसभा में कमलनाथ सरकार पर हमला करते हुए कहा था, ऊपर से आदेश है तुम्हारी सरकार नहीं बचेगी। 2019 पर चर्चा के दौरान कमलनाथ सरकार के पक्ष में 122 वोट पड़े थे, जो राज्य की 231 संसदीय विधानसभा में बहुमत से 7 अधिक है। उसी दौरान बीजेपी के 2 विधायकों ने कांग्रेस सरकार के पक्ष में मतदान किया था। वर्तमान में राज्य विधानसभा में 228 सदस्य हैं। 2 विधायकों की मृत्यु के बाद 2 सीटें खाली हो गई है। फिलहाल कांग्रेस के पास 114 और बीजेपी के पास 107 विधायक हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी 8 विधायकों को अपनी तरफ लेना चाहती है और कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में गिराने की कोशिश में है।